तो टैक्स कलेक्शन शुरू हो गया है, बहुत बढ़िया बात है। हाँ, होना भी चाहिए। कॉस्टली तो नहीं लग रहा? नहीं नहीं, कॉस्टली क्या है, गवर्नमेंट इतना बढ़िया प्रोजेक्ट दी हम लोगों को, कॉस्टली क्या है, बहुत बढ़िया बात है। राम बाटी, कितने का पर्ची कटा है आपका? 590 का जी। कहाँ से कहाँ तक की यात्रा करें? मैं यहाँ से जा रहा हूँ जो है हैदरगढ़ लखनऊ की, पहले 30 किलोमीटर। गाजीपुर के रहने वाले? गाजीपुर के रहने वाले। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे यात्रा कर रहे हैं, सुगम हो गई है यात्रा? हाँ, बहुत बढ़िया है। कितने टोल प्लाजा एक्सप्रेस वे पर बने हुए? हमारे इसमें 13 टोल प्लाजा है, जिसमें ये हमारा जो है 294 का टोल प्लाजा है, और यहाँ से लखनऊ तक का टोल करीब करीब फोर व्हीलर का 590 रुपये है, और यहाँ से गाजीपुर का है करीब 85 रुपये के आसपास। जो रेट निर्धारित किया गया था 2.45 रुपये प्रति किलोमीटर, ये तो हमारे जो है यूपी का हेड ऑफिस ने डिसाइड किया है, बाकी टोलों से कम ही रखे हुए हैं, और बाकी तो वहाँ का निर्धारित है जो पैसा उन्होंने निर्धारित किया हुआ है। ये NH के बराबर है, मैं ये नहीं कह सकता हूँ, लेकिन यूपी का टोल है। नहीं, 2.45 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से तो कुछ ज़्यादा होना चाहिए। आप 590 रुपये ले रहे हैं, क्या कोई डिस्काउंट? नहीं नहीं, डिस्काउंट है, ये जो अगर डबल जर्नी कर रहा है उसके लिए डिस्काउंट है, या अगर कुछ है उसके लिए डिस्काउंट है, और बाकी रेट तो हमारे जो है वो हेड ऑफिस ने निर्धारित किए हैं, इसमें तो हम कुछ ले नहीं सकते हैं रेट के अंदर। टू व्हीलर साइकिल्स के लिए भी? हाँ, टू व्हीलर के लिए भी, थ्री व्हीलर के लिए भी, और फोर व्हीलर के लिए भी, सारे कमर्शियल सबके लिए टोल है। नियर अबाउट 1 आवर्स गुजर चुके हैं, टोल टैक्स कलेक्शन में क्या कोई दिक्कत, कोई परेशानी या कुछ ऐसा कोई प्रोटेस्ट? नहीं नहीं, ऐसा कोई प्रोटेस्ट नहीं है, लोग आराम से दे रहे हैं, लोगों को फ़ायदा मिलेगा, तो मुझे लगता है कि टोल देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, अगर यहाँ से दूरी कम हो रही है और उनका तेल भी बचेगा। अभी देखा जा रहा है कि तो एक एक जगह जहाँ पे टोल कट रहे हैं वहाँ पे कुछ अभी सर्वर में कुछ दिक्कतें भी आ रही हैं। हाँ, वो स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन अभी वो थोड़ी देर में ठीक हो जाएंगी, और बाकी हमारे टोल चालू हो गए यहाँ पे, पर्ची वाले जैसे आप देख रहे हैं इधर भी चालू हो गया है, उस वाले में भी आने जाने में दोनों चल रहे हैं, मैनुअली डिजिटल दोनों? हाँ हाँ, दोनों चल रहे हैं, और बाकी हमारा जो फास्टैग, अभी कुछ दिनों शायद फास्टैग भी आ जाएगा, क्योंकि लोगों को परेशानी हो रही है कि लोग कह रहे हैं हमारे पास कैश नहीं है या जो नहीं है, तो फास्टैग की जो है शायद मेरे ख्याल से ऑनलाइन अपना फास्टैग। तो अभी यहाँ फास्टैग की सुविधा है कि नहीं? नहीं, अभी नहीं है, स्टैम नहीं है, केवल है आपका मैनुअली पर्ची कटेगी। कब तक सुविधा? एक आधे में शायद चालू हो जाएगी।